गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत आज की एक और नई वीडियो में। तो लगभग 2 दिन भगोरी में रहा अंकल अंटी के पास, सिस्टर के घर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अंकल अंटी ने बहुत ज़्यादा खातिरदारी की, मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो अंकल अंटी का तहे दिल से धन्यवाद। तो ठीक है, आज भगोरी को अलविदा कहने का टाइम आ चुका। अभी मैं जा रहा हूँ वापस। वापस किधर जा रहा हूँ? घर की तरफ नहीं, वापस जा रहा हूँ टिगलू बाई की तरफ। कहाँ पर मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, कौन सी जगह होगी, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। बस ये पता है वो जहाँ से है वहाँ से नीचे की तरफ आएगा, मैं इधर से वापस। फिलहाल अभी ना आंटी मेरे लिए ना सत्तू लेके आई थी। आंटी बोली सत्तू खाओ, काफ़ी टाइम से बोल रही थी। मेरा मतलब पहले मैंने खाया एक दो बार, बट सूखा खाया। अभी आंटी ना मेरे लिए घोल के लेके आई अच्छे तरीके से, मसाले वगैरह डाल के। तो इसका टेस्ट भी करेंगे कैसा टेस्ट है, और आपको भी दिखाएंगे कैसा टेस्ट है। भाई चेक करते हैं, बड़ा मस्त है भाई। जो पीछे आपने वीडियो में देखा था ना, जब मैं आया था तब आंटी पीस रही थी ना, वही वाला सत्तू है। बड़ा मस्त टेस्ट है भाई, मिर्च मसाला डाल के ना एक नंबर बना रखा है। तो फिलहाल इधर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अच्छी अच्छी जगह दिखाई। तो अभी नहा धो के रेडी हो चुके हैं, अभी थोड़ी देर में खाना खा के यहाँ से निकलते हैं वापस। आज उत्तरकाशी पहुँच जाएंगे, 76 के आसपास है उत्तरकाशी पहुँच जाएंगे। उसके बाद क्योंकि वहाँ तक रास्ता ना थोड़ा सिंगल है ना, तो वहीं तक पहुँचा जाएगा। उसके बाद रास्ता अच्छा है, फिर सफ़र थोड़ा ज़्यादा निकाल देंगे, और फिर शायद 3-4 दिन में टिगलू भाई के पास पहुंच जाएंगे। उसके बाद अपना सफ़र दोनों का एक साथ चलेगा, अच्छे तरीके से कैंपिंग वाला, और अच्छी अच्छी जगह मतलब मस्त जगह पर कैंपिंग करेंगे। ठीक है, फिलहाल सामान पैक करते हैं और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से खाना खा के। तो मैंने यहाँ पर ना सत्तू खाया था तो बहुत टेस्टी लगा, तो आंटी जी ने मेरे को साथ लेके जाने के लिए दे दिया और बताया भी है कैसे बनाना है। तो आंटी जी बता रहे हैं, आंटी जी कैसे बनाना है? वो थोड़ा सा लेना, हाँ, उसमें थोड़ा सा नमक देना। अच्छा अच्छा उसको पानी डाल के गुथना, गुथ के आटा जैसा गुथा, जैसे आटा गुथा जाता है उस तरह गुथ लेना, जैसे रोटी बनाने के लिए गुथ। हाँ, उसे गुथ लेना। एक तरफ नमक मिर्ची अचार मूली प्याज काट के रख लेना, साथ में खाना। उस साथ में खाना भुने हुए चने का ना, तो इसलिए आप कच्चा खा सकते। कच्चा मतलब भुना हो गया तो पक्का ही हो गया ना, तो इसलिए भी खाने में काफी टेस्टी था, तो मैंने सोचा थोड़ा ले ही जाते हैं। तो अभी खाना तैयार हो रहा, खाना खाते हैं, उसके बाद आंटी जी को गुड बाय करके और अंकल जी कैफे पर है वहां पर अंकल जी को मिलके निकल जाएगा अपना वापसी की तरफ। तो भाई जी बढ़िया वाला खाना पीना हो चुका है, अब अपने जाने का टाइम आ चुका है। ठीक है भाई, आंटी जी को बाय बाय बोल कर निकलते। आंटी जी किधर हो? ओके, तो ठीक है आंटी जी, कभी उधर आए ना तो जरूर होके आना है। ठीक है आंटी जी। तो अंकल जी कैफे पर है? हाँ, कैफे मार्केट में गया है, बोल रही है मार्केट गए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, जरूर है ना अम्बाला होके तो। हाँ, अम्बाला जाएंगे। आपके कौन रहते हैं अम्बाला? भाई रहते हैं, बहन रहते हैं, भौजाई रहते हैं, सब बताओ सभी कुछ। अम्बाला, अम्बाला हमारे से 50 किलोमीटर है। अंकल का लड़का लोग रहता है, सब वहीं पे है अम्बाला। अच्छा, ये जो सिस्टर है ये भी अम्बाले से है? हाँ। अच्छा अच्छा, मौसी की लड़की है सिस्टर की? ओके, ये भी अम्बाला से। तो मतलब ठीक है, जरूर आना आप। ठीक है, जब भी ये कॉल कर देना मैं खुद लेने आ जाऊंगा। ठीक है ओके, अभी चलते हैं और देखते हैं अगर कैफे पर अंकल हुआ तो अंकल से मिलवाएंगे, नहीं तो फिर चले जाएंगे। लो भाई जी, आंटी और को बाय बाय बोल के निकल चुके हैं दोबारा दोबारा मतलब भगोरी गांव से। भाई लास्ट बार देख लो यहाँ के व्यू भाई, फिर कभी दोबारा आएंगे, फिर जो रह गई जगह है ना वो घुमाएंगे। इसलिए एक बार में सारा क्लियर नहीं करते ताकि दोबारा आ सकें। यहाँ पर ना हवा बड़ी ही तेज चलती रहती है भाई, पूरी तेज। कल मैं ऊपर टॉप पर गया था ना, तो भाई ऊपर तो बहुत ही ज्यादा तेज हवा थी, हवा इतनी ज्यादा तेज है पीछे से धक्का लगा रही है। और भाई ये सारा भगोरी गांव है, नहीं ये सारा हरसिल में है, भगोरी से निकल गए हैं भाई। तो सामने ब्रिज आ चुका, जिसे क्रॉस करते ही ना अपनी सिस्टर जी का कैफे है। अगर खुला हुआ ना तो अंकल जी से मिलते जाएंगे, नहीं तो फिर कभी दोबारा मिलेंगे। आंटी जी को मैंने बोल दिया अगर अम्बाला की तरफ कभी आए तो घर पर जरूर आना, फिर मिल लेंगे भाई। तो कैफे फिलहाल बंद है भाई। तो ठीक है दोस्तों, ये थी खूबसूरती हरसिल वैली और भगोरी गांव का टूर। इधर SBI बैंक है भाई। फाइनली पहुंच गए जी मेन नेशनल हाईवे NH 34।
आपको ना यहाँ से एक हरसील का व्यू दिखा देते हैं। यहाँ से बिल्कुल क्लियर अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। ये वही वाला ब्रिज है, नए वाला, वो पुराना जहाँ से क्रॉस करके आए, और ये हरसील गांव है छोटा सा वही। तो भाई अभी मैंने सोचा इतनी दूर आए तो आई हैं, सेब ले ही लेते हैं साथ में, खाते रहेंगे। वैसे भी घर तो जाना नहीं है, बस खुद के खाने के लिए ले लेते हैं। तो मैंने ये वाले लिए हैं, जो इनको गोल्डन बोलते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बट हरे है ना। हाँ, बहुत टेस्टी सेब है, एक बार खा लेना। मैंने खाए हैं, जो जेन्युइन गोल्डन होते हैं ना, वो भी मैंने देखे हैं, बिल्कुल गोल्डन होते, बड़े बड़े। हाँ ठीक है सर। ओ ये वाले यहाँ पर मेरे को 70 रुपए मिले हैं, और ये वाले कितने? 30 रुपए। 30 रुपए, देखो भाई ये वाले इधर सस्ते हैं। तो भाई अच्छे रेट पर दे रहा है, अगर कभी आओ ना यहाँ से तो ले लेना भाई, जेन्युइन प्राइस है। ठीक है भाई। लो भाई जी, पहले मैंने यहाँ पर 1 किलो गोल्डन सेब लिए, फिर मैंने बोला वो दूसरे भी दे दो, तो उन्होंने 100 रुपए में मेरे को ना दोनों दे दिए, गोल्डन सेब भी किलो और किलो दूसरे वाले। तो अभी ना हर्षिल वैली से 7-8 किलोमीटर वापसी की तरफ आ चुका हूँ भाई, उसी गांव में जहाँ पर काफी ज्यादा सेब के पेड़ पौधे थे, और यहाँ से वो वाला जिगजैग रास्ते करते हो नीचे जाना भाई, और नीचे वो भागीरथी रिवर है, और इधर कुछ ऐसा व्यू बना हुआ भाई, वी टाइप सा। यहाँ पर ना आपको काफी ज्यादा रास्ते पर ना वाटरफॉल दिखाई देंगे भाई, काफी पीछे रह गए और काफी आगे आएंगे भाई। यहाँ पर ये वाटर क्रॉसिंग है, वाटर क्रॉस करते हैं फिर आगे चल के ना कहीं चाय पीते हैं, चाय पीने का मन हो गया भाई। ये जगह कौन सी ये तो पता नहीं है, बट यहाँ पर ना एक चाय की दुकान है, चाय पीते हैं, उसके बाद आपको नीचे का व्यू दिखाऊंगा, पहले चाय पीते हैं, पूछते चाय है भी या नहीं है। ये वाली दुकान है भाई, सेब वगैरह काफी कुछ है भैया। चाय बन जाएगी, एक बनाना, मीठा तेज डाल देना। ओके भैया, तो तब तक जब तक भैया चाय बनाते हैं मैं व्यू दिखा रहा हूँ। भैया गांव कौन सा है ये? कौन सा? सुखी टॉप, ये वाला सारा ही है। ठीक है भाई, सौ अच्छा अपर सुखी टॉप वो है। ठीक है भाई, वो सुखी है, मतलब सारा एरिया सुखी है, सुखी टॉप भी बोलते हैं, जहाँ से ऊपर से भी मैं आ रहा हूँ। और भाई इधर ये गांव देखो, इधर ये राजमा पड़े हैं ऊपर देखो, जो मैंने कल पिछली वीडियो में दिखाए थे, वो अंकल जी निकाल रहे थे बगोरी गांव में। और भाई इधर फूल बहुत ज़्यादा, पता नहीं प्राकृतिक फूल है या खुद लगा रखे हैं, देखो फूल ही फूल है, साथ में सारे सेब के खेत है। और इधर से कुछ ऐसा व्यू दिखाई दे रहा है, उधर काफ़ी खूबसूरत झरना आ रहा है ऊपर पहाड़ से, वहाँ बर्फ है ना, तो वहाँ से पानी आ रहा है, वो झरना है बड़ा तगड़ा खूबसूरत वाला, बट उधर जाने का रास्ता कोई है ही नहीं है। ठीक है भाई, ये क्या है, गंगू दे बाग, अच्छा गंगा उदय बाग, इकट्ठा लिख देना, विलेज सुखी, इसलिए पता नहीं लगा। वहाँ पर ना आंटी चाय बड़ी टेस्टी बनाती है, अदरक वगैरह डाल के, वो वाला टेस्ट नहीं मिलते, हर जगह नहीं मिलते भाई, जो घर की चाय का टेस्ट होता है ना ऐसे ढाबों पर, वो वाला टेस्ट नहीं होते, कहीं कहीं मिल जाते हैं। चाय पी लिए भाई, और ना मेरे इस बैग में काफ़ी ज़्यादा वेट हो गया, 2 किलो सेब ले लिए और 1 बोतल पानी की भर ली है, तो वेट और ज़्यादा हो गया है। चलो बाकी कोई ना पीछे सेट करके रख देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, चलते हैं बाकी इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते लेते भाई। इधर एक झरना बह रहा है, तो काफी टूरिस्ट बैठे हैं व्यू देखने के लिए भाई। तो अभी मैं मुझे लगभग उत्तरकाशी और हरसिल के सेंटर में, 40 किलोमीटर इधर हरसिल दिखा रहा है, 39 किलोमीटर उत्तरकाशी दिखा रहा है। और भाई यहाँ पहुँचने से पहले गर्मी शुरू हो गई थी, बट फिर मैंने सोचा थोड़ी आगे जाके जैकेट उतारेंगे, तो अब जैकेट उतारने का टाइम आ चुका है, मतलब गर्म वाले इलाके में दोबारा आ गए हैं। जैकेट उतारते हैं, बैग में डालते हैं, फिर निकलते हैं आगे, आगे जाकर ना कहीं रेस्ट करेंगे थोड़ी देर। 3 बज चुके और बटवाड़ी पहुंच चुका हूँ भाई, जो वही जगह जहाँ से परमिट मिलता है बटवाड़ी, और यहाँ से ना इधर से आया हूँ मैं गंगोत्री वाले रास्ते से, और एक रास्ता सीधा ऊपर जाता है रैथल। रैथल सुना है, पता नहीं क्यों फेमस है, कुछ होगा देखने को उधर, बट हमारा रास्ता वापसी की तरफ यही वाला है। तो ये पुलिस चौकी है यहाँ की बटवाड़ी की।
पहुंच चुके हैं। सामने मनेरी झील का व्यू है और इधर मनेरी स्नान घाट है भाई। घाट पर चलते हैं और व्यू भी दिखा देंगे और घाट भी दिखा देंगे। चलो भाई, बड़ा शांत सी जगह भाई। ये वाला ये देखो भाई, बैठने वाला कितना सोना बना रखा है। उधर बच्चे देखो किधर ऊपर जा रहे हैं भाई, कहाँ पर घर होगा, पहाड़ के ऊपर काफी होटल वगैरह है भाई इधर। चलो चलते हैं, व्यू दिखा के आते हैं जल्दी से। ये देखो भाई इधर सारा मनेरी झील की वजह से ना पानी बिल्कुल शांत है। चलो चलो रे, चलो रे, चलो चलो रे। यहाँ पर गर्मी ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, नॉर्मल सा टेम्परेचर हो रखा है। और पहुंच चुके जी मनेरी घाट। ऐसा कुछ व्यू है यहाँ से भाई, मनेरी झील का भी और इस मनेरी घाट का भी। ये देखो मनेरी स्नान घाट, कोई नहीं है बस यहाँ पर अभी स्नान करने वाला। ठीक है भाई, ये था मनेरी घाट स्नान घाट। चलते अभी यहाँ से उत्तरकाशी, कितना होगा 13-14 किलोमीटर का ज़्यादा से ज़्यादा, बस पहुँचने वाले हैं और टाइम भी लगभग 3:30 के करीब का होने वाला है। इस जगह का नाम तो पता नहीं, मतलब गांव का नाम तो पता नहीं, पर लोकेशन देखो कितनी मस्त है भाई। वो गंगा रिवर के ऊपर ब्रिज बना हुआ है और ऊपर से ना खच्चरों में सामान ले लेके आ रहे हैं भाई, और कुछ लोग घास वगैरह लेके आ रहे हैं। कितना मस्त सा एरिया है भाई। तो यहाँ ना छाँव वाली ठंडी सी जगह मिल गई है। मैंने सोचा रुक के सेब खाते हैं, पर पहले ना मैंने चारों तरफ देखा, अभी देखो कोई बंदर तो नहीं है। अगर मंकी हो ना तो फिर सेब देखते ना झपट पड़ेंगे, इसके साथ साथ मेरे को भी खा जाएंगे। तो पहले चारों तरफ देखा, कहीं कोई मंकी नहीं दिखा, फिर मैंने सोचा यहाँ रुक के आराम से सेब खा के फिर निकलते हैं। 7-8 किलोमीटर उत्तरकाशी रह गया, 6-7 किलोमीटर, तो जल्दी ही पहुँच जाएंगे। 4 के करीब का टाइम हो चुका है, अभी 10-15 मिनट में सेब खाते हैं, आराम से रुकते हैं, 4:30 बजे तक पहुँचेंगे उत्तरकाशी, 4:45-5 बजे तक। अभी सेब खाते हैं, और सेब निकाला मैंने गोल्डन वाला, इनका टेस्ट ना बहुत ज़्यादा मीठा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। थोड़ी थोड़ी सी नाशपति की फीलिंग आती है इनमें, तो इसलिए ना सेब और नाशपति का मिक्स सा टेस्ट है इसमें। भाई इधर रुक के सेब खाने तो लग गए हूँ, बट छाँव है ना, छाँव के नीचे मच्छर काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं भाई। परेशान हो गया भाई, कहीं डेंगू ना हो जाए। जल्दी से सेब खाते हैं, खा लिया तो दूसरा खा रहा हूँ। जल्दी सेब खा के यहाँ से निकलते हैं भाई, नहीं तो मच्छर बुरे हालात कर देंगे। ये रहा जी वो लास्ट पेट्रोल पंप जहाँ से जाते हो मैंने तेल भरवाया था, और वाकई में लास्ट ही पेट्रोल पंप है। अगर कभी जाओ ना तो उत्तरकाशी से 5-6 किलोमीटर आगे जाके ये पेट्रोल पंप आता है भाई, यहाँ से अपनी टंकी फुल करवा लेना अगर आगे घूमना है तो। यहाँ से 2.5 किलोमीटर रह गया जी उत्तरकाशी, तो एक बार फिर दोबारा से आपका उत्तरकाशी में स्वागत है। अभी सीधा ना बिरला धर्मशाला में जाकर मिलते हैं। 5 बज चुके हैं भाई, पहुंच चुके हैं जी बिरला धर्मशाला में। यहाँ पर आके डोरमेट्री मिल गया, भैया तो बोल रहे थे भी कमरा ले लो, मैंने बोला अकेला बंदो क्या करूँगा कमरे का, और वैसे भी वो काफ़ी कॉस्टली, 700 रुपये बोल रहे थे, ये 150 में है। और यहाँ तरह तरह के लोग आते हैं, बातचीत होती है, जानकारी मिलती है और मन भी लगा रहता है, तो मैं डोरमेट्री ले लिया। फिलहाल वही वाला बेड ले लिया जो पहले था, बाकी जितने बेड हैं कितने 2, 4, 5, 10 बेड है, जिस बेड पर मर्जी सो सकते हो, पर मैं यही बेड पर सोऊंगा, क्योंकि इसके पास ना ये लॉकर है, लॉकर में सामान होता है, आराम से निकालना रखना आसान हो जाता है। ठीक है, मौसम अच्छा ही हो चुका है, दिन में थोड़ी गर्मी लग रही थी जब मतलब पहुँचने से पहले, अब थोड़ा ठंडा सा मौसम हो चुका है। अभी कुछ नहीं करना, अभी थोड़ा सा बाहर जाऊंगा, इधर उधर घूमूंगा, थोड़ा रिलैक्स सा शरीर हो जाएगा, बैठे बैठे थक गया था, क्या था जब से चले जाते इसलिए, तो ठीक है और कुछ करना नहीं। शाम को खाना खा के दोबारा यहाँ पर आके वीडियो एडिट करके आराम से सो जाएंगे, और कल निकल जाएंगे हम यहाँ से टिहरी के लिए, टिहरी लेक दिखाएंगे, और उसके बाद फिर परसों देखते हैं टिगलू भाई किधर मिलते हैं।
तो अभी ठीक है, बस आज की वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, और तो कुछ करना नहीं। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।